जी अस्सलाम वालेकुम। आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर ना मैंने एक लिंक दिया होगा, असेंबली लैंग्वेज रिवाइंड, ये आपके पास लिंक है। इस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे ना, तो इसमें जो आपकी बुक है रिवाइंड, ये उसके ऑथर का सारा मटेरियल है। तो इसमें उसने किस तरीके से आपने जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करना है, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड है। विजुअल स्टूडियो के ऊपर किस तरीके से असेंबली की जो है लाइब्रेरी, उसको सेटअप करना है, उस स्टेप बाय स्टेप उसने इसमें सारा बताया हुआ है। इन सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसके अंदर आपके पास, अगर आप गिटहब पेज पे जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट 32 VS 2022 ये मैंने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ project.sln के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अगर किसी के विजुअल स्टूडियो के ऊपर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये आपके विजुअल स्टूडियो का इशू है, आपको विजुअल स्टूडियो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरे पास कुछ सैम्पल कोड है और मेरा जो है वो प्रोजेक्ट रन हो जाता है। मैं यहाँ से बिल्ड पे जाता हूँ, रिबिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये सक्सीड हो गया, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट, हाँ जी सक्सीड हो गया, तो जी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरा चल रहा है, ठीक है। सो दैट्स वर्किंग। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हमने कौन कौन सा कोड करना है, ठीक है, इस सब को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले जी हम जो है वो एक कमेंट डालते हैं, आपको पता है असेंबली में कमेंट हम सेमी कॉलन से डालते हैं, ठीक है। तो जी ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम दो वैल्यूज को ऐड करें, ऐड टू वैल्यूज, ये मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा .386। ये .386 जो है ये उस प्रोसेसर का मॉडल है, 386 प्रोसेसर का मॉडल है जिसके लिए हम असेंबली लिखना जा रहे हैं। मतलब आप समझे कि ये असेंबली का वर्जन है, ठीक है। हमारी बुक इंटेल 86 x86 प्रोसेसर की है, ठीक है। x86 का मतलब 32 बिट। उसके बाद जो है वो मेमोरी मॉडल, ठीक है, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हर कोड के शुरू में लिखनी पड़ती हैं, डॉट मॉडल फ्लैट, ठीक है, और एसटीडी कॉल। ये स्टेटमेंट डॉट मॉडल फ्लैट एसटीडी कॉल, ये आपके डिफरेंट तरह के मेमोरी मॉडल होते हैं, तो उसमें से फ्लैट मेमोरी मॉडल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने इस कोड में। उसके बाद जी मैंने आपको बताया था कि हमारे कोड का एक स्टैक सेगमेंट होता है, एक डेटा सेगमेंट होता है, एक कोड सेगमेंट होता है। हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं डॉट स्टैक, ठीक है, STACK, ठीक है, स्टैक 4096, ठीक है, कि आपने जो स्टैक सेगमेंट लेना है उसका साइज जो है वो 4096 होना चाहिए। ओके हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड IRVINE इरवाइन, जो कि बुक का नाम है, ठीक है, 32, ठीक है, .INC, ये यहाँ पे हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब इससे अगला जो काम आता है ना, यहाँ पे बेटा आपका डेटा सेगमेंट स्टार्ट होता है, डेटा सेगमेंट टू मेक वेरिएबल्स, ठीक है, इसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ये डेटा सेगमेंट होता है, ठीक है, इसका नाम होता है डॉट डेटा, क्लियर है। इसी में आपके सारे वेरिएबल्स वगैरह आते हैं, अभी हमने वेरिएबल्स पढ़े नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वो इसी में आएंगे। उसके बाद हमारा कोड सेगमेंट स्टार्ट होगा, डॉट कोड, क्लियर है। इससे नीचे हम कोड लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेगमेंट है जी, कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट स्टार्ट से यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड सेगमेंट में जिस तरह हमारा सी प्लस प्लस में इंट मेन होता है ना, इसी तरह इसमें मेन और PROC मेन प्रॉक होता है, ठीक है। जिस तरह वहां पे इंट मेन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मेन प्रॉक, ठीक है। इंट मेन के लिए सी प्लस प्लस में आपके पास ब्रैकेट्स लगती हैं इस तरह करके, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगती, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मेन प्रॉक के बाद आपने जो है वो, हाँ जी, कि आपके पास मेन प्रॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने मेन प्रॉक का जो है वो हमने खत्म करना है, ठीक है, एंड लाइक इसके दरम्यान में आपका सारा कोड आएगा, ठीक है, यहाँ पे तमाम हमारा कोड आएगा।
ठीक है, और मेन प्रॉग आपका खत्म हो जा होता होता है मेन एंड पी। इसका मतलब है कि मेन प्रॉक यहाँ से शुरू हुआ। प्रॉक का मतलब होता है प्रोसीजर या फंक्शन, जैसे सी प्लस प्लस में मेन का फंक्शन है, तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें ब्रैकेट्स क्योंकि नहीं है, तो यहाँ पे मेन के साथ एंड पी लगाने का मकसद ये है कि मेन का कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ इतनी जगह के ऊपर सिर्फ मेन का कोड है, और एंड के ऊपर हम लिखते हैं एंड मेन। ये जो एंड मेन होता है ना, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम का एंड होता है, कि पूरे के पूरे प्रोग्राम का एंड है। जो ये एंड है, ये सिर्फ मेन प्रोसीजर का एंड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, इसको सेव करते हैं, ठीक है, रीबिल्ड करते हैं एंड लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल जी, ये सही तरह हमारा रीबिल्ड हो चुका है, ठीक है। इसको अगर आप रन करना चाहेंगे तो हम देख लेते हैं कि ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। एक्सेप्शन थ्रोज प्रोजेक्ट एक्सेस पोजिशन एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ना कोड लिखते हैं, डॉट 386 डॉट मॉडल फ्लैट एसटीडी कॉल, सब कुछ सही है। NC, हाँ जी, सब कुछ ठीक है। डेटा सेगमेंट आ गया, कोड सेगमेंट आ गया, मेन प्रॉक आ गया, ठीक है, और मेन एंड पी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और एंड मेन आ गया, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना कोड लिखते हैं अपना। हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है, उसके लिए मैं दो वैल्यूज है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी 5, ठीक है, कमेंट डाल देते हैं, 5 + 4 करना है उन्हें, ठीक है। तो हम रजिस्टर्स को यूज कर लेते हैं फिलहाल, अभी हमने वेरिएबल्स क्योंकि पढ़े नहीं है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह पे यहाँ पे यूज होता है मूव, ठीक है, हम लिखेंगे मूव, ठीक है। एक रजिस्टर हम ले लेते हैं EAX, ठीक है, comma 5। ये क्या करेगा, ये 5 को मूव कर देगा EAX में, ठीक है। फिर हम मूव कर देते हैं, ठीक है, मूव EBX 4, ठीक है, इसने 4 में EBX में 4 को मूव कर दिया। अब मैं दोनों को ऐड करके जवाब किस में रखना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज EAX में रखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ऐड EAX, EBX। ये क्या करता है, ये EBX को EAX से ऐड करके जवाब भी वापस EAX में रखता है, मतलब कि इसमें ये वाला सोर्स भी होता है और डेस्टिनेशन भी होता है, और ये सिर्फ सोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपने एक जो है ना यहाँ पे बिल्ट इन मेथड है, उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है, उसका नाम है कॉल DUMP, डम्प REGS, ये बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, इस लाइब्रेरी का जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है, कॉल डम्प रेग्स, जो भी रजिस्टर्स हैं उनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो ये स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। और एंड के ऊपर हमने जिस तरह C++ में आपको याद है एंड पे रिटर्न 0 करते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस सारा खत्म हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे हम इनवॉक, ठीक है, एग्जिट EXIT, एग्जिट PROCESS, एग्जिट प्रोसेस comma 0, ठीक है, ये वही रिटर्न 0 वाला काम करता है, वो ये बताता है कि यार ये सारा काम करने के बाद अब यहाँ पे आके कंट्रोल वापस CPU को वापस कर दो, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, अब इसको हम रीबिल्ड करते हैं, ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है जी, हमारा कोड चल गया। अब आपके सामने देखें 5 + 4 = 9, और जवाब किस में आया था, हमने जवाब रखा था EAX रजिस्टर में, और आपके सामने ये जवाब EAX में देखें, सारा 0 है, एंड पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यूज हैं, आपके पास आंसर भी डेसिमल में आ गया है, ठीक है, ये आंसर वैसे हेक्सा में आता है, ठीक है, ये यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा सम टाइम देखना पड़ेगा, ये मोस्टली आपके पास आंसर जो है वो हेक्सा में आ रहा होता है, ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसको भी 5H 4H, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एच का मतलब है हेक्सा, ठीक है, 5 की ये हेक्सा वैल्यू है, ठीक है, तो आप ये देखें ये एग्जैक्टली हेक्सा वैल्यू आ रही है। अब मजे की चीज देखो, हम 5 + 5 = 10 होता ना,
ठीक है, अब देखिएगा ये हेक्सा में क्या करता है। देखें ए आ गया हेक्सा में, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अगर दो वैल्यू एक को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करना हो, मैं लेट्स सपोज करना चाह रहा हूँ सब, ठीक है, ई बी एक्स में जो पड़ा है उसमें से मैं 1H उसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और जवाब किस में जाएगा, ई बी एक्स में जाएगा, तो क्या बनेगा। अब ई बी एक्स को देखना आपने, ये ई बी एक्स है, बाकियों को इग्नोर करना है, तो देखें इसमें 4 आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपके फ्लैग्स हैं जो मैंने आपको बताया था और आगे मजीद बताऊंगा, ये उनका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो बेसिक कोड करते हैं असेंबली में। थैंक यू सो मच।